नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने डोंकी के माध्यम से विदेश भेजने वाले बड़े ठग ट्रैवल एजेंट का किया पर्दाफाश। जालंधर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक समस्या को देखते हुए चलाई मुहिम। कानूनों की उल्लंघना करने वाले ऑटो व ई रिक्शा के किए चालान। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने भोले भाले लोगों को डोंकी के माध्यम से विदेश भेजने का झांसा देने वाले एक बड़े ठग ट्रैवल एजेंट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का सरगना फरार बताया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ADCP सिटी 2 आदित्य कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान विशाल निवासी गांव जागुड़ा टांडा होशियारपुर तथा करणवीर सिंह निवासी बाबा दीप सिंह नगर जालंधर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 38,86,400 रुपयों की भारतीय करेंसी भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि थाना बारादरी के प्रभारी इंस्पेक्टर रविंदर कुमार को मुखबिर ने सूचना दी थी कि थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल के कमरे में बैठकर कुछ फर्जी ट्रैवल एजेंट भोले भाले लोगों को डोंकी के माध्यम से विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की ठगी कर रहे हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर रविंदर कुमार ने उच्च पुलिस अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, जिसकी सुपरविजन ADCP आदित्य कुमार कर रहे थे और टीम में ACP सेंट्रल निर्मल सिंह, ACP जालंधर कैंट हर्षप्रीत सिंह तथा थाना बारादरी के प्रभारी इंस्पेक्टर रविंदर कुमार को शामिल किया गया। उक्त होटल के इर्द गिर्द पुलिस ने जाल बिछा दिया और होटल के उक्त कमरे में छापेमारी करते हुए दोनों आरोपियों को काबू किया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अजी, मामला साढ़े ध्यान च आया था, जो इलीगल तरीके जरा डंकी रूट है वो थ्रू जरा इलीगल तरीके जोड़े है बहर भेजने वाले जो ध्यान च आया मैटर, असी जरा इस चीज़ में चैक किया जिद ACP सेंट्रल ACP कैंट जी जोड़े है साढ़े जोड़े अफसर साहिबान है तो जोड़ा है SHO नवीन बारादरी, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर चैक करके और असी जोड़ा है दो तीन बंद FIR दर्ज की हैगी, जो दो बंद मौके पर अरैसट भी किए गए, जो 38,86,000 रुपये 86,400 की जी रिकवरी है ऑन स्पॉट रिकवरी जी हुई है वो हुई है वो तू इस असी जो हमने दिखाया से बेसिकली जो साढ़े ध्यान च आया कि जो इन का मॉडल ऑपरेंडी से वह आई कि आ जोड़े है US यूरोपियन कंट्रीज़ है वाया मोरक्को कजाकिस्तान यूक्रेन के राही भेजते जिते ये अलग अलग रूट यूज़ करते। बाकी इन एक बंदा जरा है वो अबसकेंडेड है वो पंजाब तो बहर है, असू उन्हू जल्दी राउंड अप कर लेंगे और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वह आप जो स्टेट और सेंट्रल की जी सिस्टर एजेंसीज है उन्होंने नाल टाई अप करके असी जो है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन अमल में लियाँगे। इन्हों का नाम एक का नाम विशाल है, एक करणवीर है, जो विशाल है हुशियारपुर का रहने वाला है, करणवीर है जलंधर का रहने वाला है, बट आ जोड़े है उसी बंद जो काम करते है। एक गिरोह के रूप में काम करते गिरोह गिरोह का पार्ट है, जो है इन्हों का लिंक की सी कितने मिले की करते कि लोगों को भेजा कि इन्वॉल्वमेंट है, असं सारे जो पक्षों हाँ इन्होंने बड़ी डूंगाई ना असं जांच करांगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। देखो ये बड़ा सिंपल है, इतने पंजाब सरकार वालों पहला भी है ह्यूमन समगलिंग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने वास्ते पहला भी कदम उठाए गए है, तो माननीय CM साहब के DG साहब के जो निर्देश से वो पहला भी कि असी जो पंजाब के लोग है उन्होंने जोड़े है गलत एलीमेंट्स है जो गलत तरीके से यूज़ करके विदेश भेजते इन्हों तो बचा है। ताकि जालंधर में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत कानून की उल्लंघना करने वाले ऑटो और ई रिक्शा के चालान काटे गए।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी ट्रैफिक कमलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए पहले भी ऑटो यूनियन के साथ बैठक की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कानून की उल्लंघना कर रहे थे, जिसके तहत विशेष नाका लगाकर चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान 20 से 25 चालान काटे गए हैं। फिलहाल अभी नाका जारी है, जिसके चलते और भी चालान हो सकते हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इन्हां कोले कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना आरसी है, ना लाइसेंस है, ना एक और इंश्योरेंस अकाउंट, कुछ भी नहीं है। इन्होंने बार बार कहने के बावजूद भी ये इधर नो ऑटो जोन च लेके आ रहे हैं, इन्होंने समझाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने सिर पर कोई असर नहीं है, इसलिए इन्होंने चालान कर रहे हैं। जो गल करें नो ऑटो जोन बनाया गया है, किन्ने बजे तो लैके किन्ने बजे तक? सवेरे 8 तो लैके रात के 8 बजे तक जिहड़ा हैगा नो ऑटो जोन है। उस तो पहले जिदा मर्जी जा सकते, असीं उन्हां नूं रोकदे नहीं है। कोई एमरजेंसी, कोई सिविल हॉस्पिटल कोई मरीज़ लैके आ रहा, उन्हों सिविलाइजेशन कर दें। बाकी यह सारा कुछ बंद किया गया, इस चीज़ को देखने। जो गल करिए जिदा एमरजेंसी हॉस्पिटल के लोग आते हैं, वो बार भी जो ऑटो लोग खड़े कर देंगे, ये इन्हां दी गलती है। इसी चीज़ को मान योग साढ़े अफसर साहबान ने सानू कहा है भी उस दिन भी पेशेंट जिहड़ा एमरजेंसी हालत इत्थे आया सीगा, इन्हां दे ऑटो बाहर लगे हुए सीगे, इस कारण सानू सख्ती करनी पै रही है, सख्ती करते भी हैं। इन्हां नू बार बार कहने के बावजूद ये बाज नहीं आते हैं। मैं तुहानू पहले भी बेनती की है, जिहड़ा जुर्माना हैगा नो आरटीओ साहब दसणगे, इहदे बारे साडे कोई नहीं है क्ल्यू है। पहले आरसी लाइसेंस और जिहड़ा दूजा जुर्माना हैगा आरटीओ साहब ही डिसाइड करते हैं, और साडा कोई रोल नहीं है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गणेश चतुर्थी पर विशेष धार्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें अनिल कुमार दिल्ली वालों ने प्रभु महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व CPS KD भंडारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर यादव खोसला सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री गणेश पूर्ण जी की, जय माता दी। आज गणेश चतुर्थी उत्ते श्री देवी तला मंदिर दे जिदा हर साल असी पूजा करते हैं, सारे सेवादार ने, साडे आदरणीय मैंबर साहबान और सारे श्रद्धालुओं ने रल मिल के गणेश जी की पूजा की। बहुत ही बड़ा मनमोहक दृश्य सी, उपरों इंद्र देवता जी जल बिछा रहे सी, और सब तो खुशी का काम यह सी दिल्ली तो जड़े महान गायक अनिल जी वो साढ़े बिच सी, उन्होंने भजनों के नाल वातावरण एन मगदमुद्र करता, और ऐदा लग रहा जिदा सरस्वती माता पुष्प वर्षा कर रही है। उन्होंने एक एक स्वर जिहड़ा गले चो निकल रहा सी सुनन दे योग्य सी और दिल दे उत्ते लग रहा सी। मैं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतलजीत जी वालों और अपने परिवार वालों सारे जलंधर वासियों को इस उत्सव के लख लख बधाई देना, और उस मां माई अगर अरदास करना कि श्री गणेश भगवान जी जिदा कहना बोपिया अगले साल जल्दी आई हो वो प्यार बरसाते हैं। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इस तीर्थ क्षेत्र में आकर आनंद की प्राप्ति हुई। हम सबके घरों में मंदिर होते हैं, लेकिन तीर्थ की महिमा अपनी है। तीर्थ को हम कहीं और से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और वो तीर्थ क्षेत्र में आकर ही पता चलता है। मैंने इस दरबार के बारे में फेसबुक पर बहुत पढ़ा सुना था, लेकिन आज जब आया तो तीर्थ क्षेत्र में माता जी की विग्रह है, जितना भी यहाँ बना हुआ है सरोवर है, उसके साथ साथ जो मंदिर की कमेटी है, विज साहब, यादव खोसला जी और जितने अन्य भक्तजन यहाँ के सेवादार, सबकी वर्किंग देखी, सबका जो हॉस्पिटैलिटी है वो प्रशंसनीय है। जो भी आता है बाहर से आता है, मैं बाहर से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, लेकिन जो आने वाला है अगर उसको अति प्रसन्नता हो तो ये महारानी की कृपा है इन सबके ऊपर। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने गणेश सरस्वती वंदना के पश्चात हनुमान चालीसा के संगीत में समूह गान से इस आयोजन का शुभारंभ किया, जिससे सारा मंदिर परिसर राम धुन से गुंजायमान हो उठा। मंदिर का वातावरण पूर्णतः राम भक्ति से सराबोर हो गया।
इस अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज और दिल्ली से अनिल कुमार ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अंत में प्रभु भोग का प्रसाद सभी भक्तों में बांटा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और सखी कहती है, मैं खड़ी उड़ीकारा, मैं खड़ी उड़ीकारा, के आज मेरा शाम आएगा, जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ीकारा, ऐसे ताली बजाने की बात नहीं है, मैं लग जाए मनाई है पर बंदर का मेरी तो ताली नहीं बजानी है। खुशी की गल है कि साढ़े बच्चे साढ़े अपने पंजाबी भरा जिन्हों का जन्म नवे शहर होया, जन्म दिल्ली होया, दिल्ली होया, लेकिन उन्होंने इतने नवे शहर के नानके पिता जी अब दिल्ली निवास कर रहे हैं और साढ़े बच्चे अज विशेष तौर पर उन्होंने आके सानू सारिया निहाल किया। ऐसे वीर हन अनिल जी का मैं देवी तलाब प्रबंधक कमेटी वालों आदरणीय जीतन पिंग साढ़े प्रधान साहब साढ़े बहुत ही सत्कारित साढ़े महासचिव इस मंदिर के जेडे कि पूरी देखभाल करते हैं यादव खोसला साहब थोड़ा बहुत ही हार्दिक अभिनंदन साधुवाद करता। क्योंकि सानू चाहे पांच पेटा सुनाइया वाले कि साडा मन गद गद हो गया। मैं पुनः इस धरती इस पवित्र स्थान के आने थोड़ा सारे शहर निवासियों वालों और त्रिपुर मान के जिन्हें भी सेवक है और मेरे सौभाग्य प्राप्त होया बी साहब की बदौलत कि जो पहली चौकी शुरू हुई सी इतने इस दरबार के मैं उस हाजिर सी। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। शुक्र मनाने तेरा ही दिता गाने, तू जद भी बुलानी है मैया, तू जद भी बुलानी है मैया, तू जद भी बुलानी है मैया, तू जद भी बुलानी है मैया। असी दौड़े दौड़े आने 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 तेरा लख लख शुक्र मनाने तेरा ही दिता गाने, तेरा लख लख शुक्र मनाने ta ta Bye.
एसएस जैन सभा जालंधर के संरक्षक रहे आरसी जैन कसूर वाले जो कि गत दिनों काल धर्म को प्राप्त हो गए हैं, उनकी अंतिम शोक सभा एवं रस्म पगड़ी श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय आरसी जैन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस के डी भंडारी, एसएस जैन सभा के प्रधान सतपाल जैन, पूर्व प्रधान विमल जैन, पूर्व प्रधान राजेश जैन लोहे वाले सहित पारिवारिक सदस्यों में टारचन जैन, अरुण जैन, वरिंदर जैन, अंकुश जैन, संजीव जैन, विक्रम जैन, अंजू जैन, आशु जैन, इंदु जैन, रश्मि जैन, अभिषेक जैन सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय आरसी जैन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और लंबी तपस्या चल रही थी घर में, कोई अपने घाती अघाती कर्मों को नष्ट करके क्षय करके वो
कोई आतर ध्यान नहीं, कोई रोधर ध्यान नहीं, सिर्फ धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में ही रहे। और हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जो किसी तरह का रुख नहीं करते, आतर ध्यान नहीं करते, रोधर ध्यान नहीं करते, वो निश्चय ही उच्च गति के अधिकारी होते हैं, वो उच्च गति में जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी महान आत्मा जिन्होंने अपना सामाजिक दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाया, अपने परिवार को बहुत संघर्ष के बाद उसको बहुत अच्छी तरह से किया और राष्ट्र हित में भी बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए। मेरा जैन साहब के नाल बहुत ही निघा ते प्यारा संबंध सी। कई बार ये गल्लां सारी उम्र याद रहिंदियां। मैं जो पहला चुनाव लड़ना सी कॉरपोरेशन का, तो जैन साहब लावा महल्ले रहते, तो मैं इन्होंने घर गया, तो इन्होंने मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि मैं भंडारी तेरी मदद करूँगा, डट के करूँगा। ऐसे इंसान का चले जाना जिथे परिवार की बहुत बड़ी घाट है, उत्थे समाज में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा। मैं तो पहला विमल जी बोलते सी किस तरीके दे नाल उन्होंने अपने पुराने पिंड फरीदकोट सुखनवाल जिथे उन्हें जन्म होया, उन्होंने की हार्दिक इच्छा सी कि मेरी मृत्यु भी उत्थे होवे। अज सवेरे अरुण जी मैंने मिले, गल करते उस स्थान के उपर इन्नी उन्हें लगन सी, उत्थे बच्चियां दे व्याह करने, बच्चियां नूं पढ़ाना, होर समाजिक काम करने, बहुत कुछ उनके बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में बोला है। यद्यपि मैं परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरा अपना उनके साथ बहुत संबंध है। आयु की दृष्टि से हमसे बहुत बड़े थे, लेकिन हर काम में सलाह करने, और सबसे बड़ी बात यह है कि लाला जी का हर काम एक नए ढंग से ही होता था। कई बार हम सोचते रहते हैं लाला जी ये क्या कर रहे हैं, नहीं इसको ऐसे ही करना है। शादी की स्वर्ण जयंती आई तो 3 दिन का प्रोग्राम रख लिया, लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, सुखा वाला से उन्हें बहुत प्यार। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने डोंकी के माध्यम से विदेश भेजने वाले बड़े ठग ट्रैवल एजेंट का किया पर्दाफाश। जालंधर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक समस्या को देखते हुए चलाई मुहिम, कानूनों की उल्लंघना करने वाले ऑटो व ई रिक्शा के किए चालान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।